अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे 5 अप्रैल। तो मैं आज जा रहा हूँ ब्रिक्सटन से मैना पार्क स्टेशन ना काम पे। मैं आज यहाँ की तरफ आ जाया था। तो अच्छा, आज मेरा जो व्लॉग है ना, मैं आपको बताऊँगा कि मेरे यहाँ से रास्ता ब्रिक्सटन से लफड़ा जंक्शन ना, यहाँ से रास्ता मैना पार्क जहाँ मेरा गैराज है, वर्क जहाँ मैं करता हूँ, वहाँ पे 2 घंटे है। 2 घंटे खुद ही आप साफ लगा लें कि 2 घंटे में आप लाहौर से गुजरावाला पहुंच जाते हैं, बल्कि गुजरावाला से भी आगे निकल जाते हैं अगर आप 2 घंटे मैंने वो मोटरवे के थ्रू। तो मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ कि आपने बेसिकली मैं मोस्टली जाता हूँ ट्रेन में ना ट्रेन में चार्जेस लगते हैं कोई 5-6 पाउंड लगते हैं ना एक साइड के। ट्रेन एक्सपेंसिव है क्योंकि ये ज़ोन 1 है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जोन पे डिवाइड की गई है। ज़ोन 1 से लेकर ज़ोन 1 से मैं जा रहा हूँ ज़ोन 3। हाँ, मैंने पाक ज़ोन 3 है। यहाँ ट्रांसपोर्ट जोन पे डिवाइड की है। ज़ोन 1 सबसे महंगा है, ज़ोन 2 से चीप है। तो जितना आप जोन डिवाइड करेंगे उतना आप एक्सपेंस पड़ते रहेगा। लेकिन बस का एक ही रेट है ना, बस आप पूरे लंदन में जाएंगे एक ही रेट है। और यहाँ पे है ऑफ पीक ऑन पीक ना, पीक आवर और ऑफ पीक। जो जॉब टाइमिंग है मीन 7 to 9, 11 तक ना, ये पीक आवर है। मीन इस टाइम रश होता है इसलिए पीक आवर है, उसके बाद ऑफ पीक है। पीक आवर में ट्रेन महंगी हैं लेकिन बस का वही रेट है। तो आज मैं बताऊँगा आपने ब्रिक्सटन से अगर आप मुझसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो मेरी ट्रेन बस आ गई, मैं आपके बाद करता हूँ। मुझे बताता जाऊँ कि बस में ये होता है कि आप बस में जितना मर्जी ना, एक घंटे में, अभी बस में बैठा हुआ, एक घंटे में आप जितनी मर्जी बस से ट्रैवल कर सकते हैं ना, 10 लें 20 लें जितनी मर्जी लें। और पहले था 1.65 पेंस, लेकिन ये मार्च से ना 1.75 पेंस हो गया ना इनका रेट, और आप जितनी मर्जी बस लें एक घंटे में। तो मैं मोस्टली रूट बनाता हूँ, मोस्टली मैं ट्रेन में जाता हूँ क्योंकि लेंथी है, लंबा सफ़र थक जाता हूँ ना। लेकिन कभी कभी होता है चलो बस में चले जाते हैं ना। तो अगर आपने पैसे बचाने और बस में जाना है तो बस में डिफरेंट आपको तरीका है, मैं आपको गूगल मैप खोल के बताऊँगा कैसे पता लगता है कि आपने बस आपकी जा रही है डायरेक्ट। क्योंकि अगर आप, मैं यहाँ से निकालूँगा गूगल मैप पे, वो बस का रूट नहीं देगा, वो ट्रेन का रूट देगा ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, सबसे कम टाइम जिस पर लगता हो ना। तो मैं आपको खोल के बताता हूँ। तो आज मैं बताता हूँ आपको आपने गूगल मैप कैसे यूज़ करना है। सपोज अब मैं हूँ ब्रिक्सटन ना, लफड़ा जंक्शन से मैंने जाना है मैना पार्क ना। तो मैं यहाँ पे डालूँगा SW98R दी ट्रैक्शन, इसको मैं मैना पार्क ना। अब मैंने डाला लफड़ा जंक्शन, ऊपर SW98R दी ब्रिक्सटन का पोस्ट कोड है, और नीचे मैंने, आप पोस्ट कोड लिख दें या नाम लिख दें स्टेशन का तो एक ही बात है ना। अब मैंने डाला तो आ गया ना कि 54 मिनट पहला आ रहा ऑप्शन। ये ऑप्शन पहला मैंने ओपन किया कि आप लफड़ा जंक्शन से ट्रेन लें थेम्सलिंग, उसके बाद फरिंगटन से फिर एक दूसरी ना मैना पार्क। तो इसके ये ट्रेन है ना, 2 ट्रेनें चेंज करनी है इसमें मेरे ख्याल से कोई 4-5 पाउंड की ना एक साइड पड़ेगी ना मुझे, मतलब 1 वे जाते हुए। और इसके बाद फिर नीचे देखें दूसरी ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ 35 नंबर लें बस, उसके बाद फिर वो लिवरपूल जाएगी, उसके बाद फिर ट्रेन लेंगे ना, मतलब उसके बाद फिर नीचे ट्रेन है, नीचे भी ट्रेन है, और उसके बाद नीचे टैक्सी का आ गया ना। तो अगर हमने सिर्फ देखना बस कौन से जाते हैं ना, खाली बस। उसके बाद फिर मैं गया ऑप्शन में, मैंने अनचेक किया सबको, सिर्फ बस को चेक रखा। उसके बाद फिर मैं बैग गया, अब ये खाली बस के रूट दे देंगे। अब बस का रूट आ रहा है, ये मैं अपने पासपोर्ट से ली, मैंने 35 के बाद मैं जाऊँगा ग्रेसचर्च स्ट्रीट, 21 स्टॉप राइड करके ग्रेसचर्च स्ट्रीट से मैं थोड़ा सा वॉक किया, और उसके बाद मैंने ली दूसरी बस 25। अच्छा, पहले देखें जो फर्स्ट बस मैं ले रहा हूँ 5:12 पे ना, 5:25 पे सपोज। तो मैं जो सेकंड बस लूँगा ना उसमें आ रहा 5:51, मीन ये दूसरी बस 25
विद इन 1 आवर में आपको मिल जाएगी, तो मुझे ना सिर्फ 1.75 pence ही मेरे डिडक्ट होंगे ना। लेकिन अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक है, स्टक है, तो टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि बस का टाइम एग्जैक्ट नहीं, बस में यही मसला है कि टाइम एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि ट्रैफिक होती है। ट्रेन में आपको टाइम एग्जैक्ट मिलता है, लेकिन मोस्टली काम ही होता है, कभी कभी होता है कि ट्रैफिक स्टक हो, विद मोस्टली मिल जाता है ना, तो ये सीन है। तब मैं 551 पे दूसरी बस लूँगा, उसके बाद मैं 34 स्टॉप राइड करूँ या 2 करूँ या 3 करूँ ना, तो मतलब जब जहाँ तक एंड है इल्फर्ट पे एंड होगी ना, क्योंकि बस के ये इल्फर्ट लिखे ना, इसका मीन ये बस का आखिरी स्टेशन है। और अगर ये 35 का शॉर्टिच लिखा है ना, तो मीन ये 35 शॉर्टिच उसका आखिरी स्टेशन है ना। मेन बस में आप एक दफ़ा जब एंटर होते हैं तब स्कैन करते हैं, एग्जिट करते हुए नहीं स्कैन होता, और जब आप दूसरी बस लेते हैं विद इन वन आवर में जितनी लेते हैं वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्यूटर डिटेक्ट करता है 1 आवर में हुए, वो फिर बैलेंस नहीं काटता ना। तो आप बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड और TFL ही मेन ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे मैप यूज़ करना है, व्यू आ रहा है एक टावर ब्रिज का, मैं लंदन ब्रिज से क्रॉस कर रहा हूँ, सामने मेरे टावर ब्रिज है, ये 35 नंबर से मैं ग्रेस्टर स्ट्रीट उतरा ना, मुझे 5 मिनट वॉक पे राइट साइड पे एक स्टेशन आएगा, वहाँ से मैं 25 नंबर लूँगा। तो अभी हुआ टाइम 7:23, मैंने बस में स्कैन किया था एस्टीमेट, मैंने टाइम एग्जैक्ट याद नहीं, 6:40 के करीब ना, तो इसका मतलब काफ़ी टाइम है अभी ना, मतलब मैं आराम से वॉक करके जाऊँगा उधर, बस ले लूँगा, तो मेरा अभी दिन 1 आवर में वो स्कैन हो जाएगा। और ये चेक करें, ग्रेस्टर स्ट्रीट है, सामने लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन है, चेक करें ज़रा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, चस्ता ही है कि नहीं, ये फुल मेन सिटी है, सेंट्रल लंदन है। तो मैं आगे जाके ना वहाँ से फिर 25 नंबर लूँगा। यह है कि बस का ही होता है कि बस आगे रश ना होना, अगर बस स्टक होगी तो विद इन 1 आवर आपको नहीं मिलेगा, और वैसे भी स्कूल से छुट्टियाँ हैं इसलिए रश नहीं है, तो इजीली मिल जाता है। करते हुए मैं जा रहा था तो एक ज़बरदस्त ये पब आया, ये साथ ही सारे राइट साइड पब हैं, पब मीन शराब खाना ना, तो कितना वैसे प्यारा है। नेक्स्ट बस आ गया इल्फर्ट, मैं इस बस पे जाऊँगा, मैंने इल्फर्ट बस ले ली है 25 नंबर ना, जो इल्फर्ट ख़त्म होगी, लेकिन इससे पहले मैं मैंने पब उतर जाऊँगा, और मैंने सेकंड बस ली है 7:30 पे ना, मैंने 6:40 पे फर्स्ट बस ली, 7:30 पे दूसरी बस ली, मीन मैंने 15 मिनट्स में सेकंड ली ना, तो विद इन 1 आवर कवर हो गया, तो ये दूसरी बस मेरी फ्री। अब यहाँ से मेरा 1 घंटे का 1 घंटा सफ़र है यहाँ से ना, 1 आवर। मैं अब वैसे बस देखता रहूँगा, मैंने आधा लंदन तो ऐसे ही देख लिया, तो अगर बीच में अच्छी अच्छी जगह आई मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी 8:30 हुए हैं, 8:20 हो गए बल्कि, अब मैं पहुंच गया मैन पार्क स्टेशन ना, बस जल्दी आ गई क्योंकि ईस्टर हॉलीडे चल रहे हैं ना, तो स्कूल क्लोज हैं, तो ट्रैफिक नहीं है इसलिए, नहीं तो वैसे मोस्टली लेट हो जाते हैं ना। तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा ज़िंदगी का सफ़र तो ऐसे ही काम से घर, घर से काम पे, और काम से फिर घर में गुजर जाना। बेसिकली हम इस दुनिया में आ ही एक सफ़र के लिए हैं, महदूद सफ़र है हमारा, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है, और इस सफ़र में हमें इबादत करनी चाहिए। और यह है कि रमज़ान है, रमज़ान में ख़ास तौर पर, और एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स बदनसीब है जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नत ना कमाई। तो आप अपने माँ बाप का जरूर ख्याल कीजिएगा, उनका ख्याल रखें, उनकी हर बात माने। और मुझे अफसोस होता है कभी कभी कि मेरे माँ बाप भी बुढ़ापे के में पहुँच गए लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह वो इधर आ जाए या मैं उधर चला जाऊँ, क्योंकि ये महदूद सफ़र है ना, तो इस सफ़र को जितना अच्छा बना लेंगे ताकि आखिरत में हमें सुकून मिल सके। तो अपना ख्याल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।